हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। ऑयली स्किन वालों को अपने स्किन का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ब्लैक हेड्स और मुहासे होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। आमतौर पर ऑयली स्किन वाले जानबूझकर अपने चेहरे को बार बार धोते हैं, और कई लोग तो अपने चेहरे पर क्रीम, टोनर और मॉइस्चराइजर लगाना भी बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑयली स्किन वाले कैसे अपने स्किन का ख्याल रखें। चेहरे को बार बार ना धोएं। चेहरे को बार बार धोने से त्वचा का नेचुरल ऑयल बाहर निकल जाता है। ये तेल आपकी त्वचा का पीएच बैलेंस करने में मदद करते हैं और चेहरे को ड्राई होने से बचाते हैं। ऑयली स्किन वाले मुहासे के लिए क्रीम का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। ये क्रीम वैसे तो अच्छी होती है, मगर बार बार लगाने से त्वचा को रूखा और पपड़ीदार बना देती है। लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन का मतलब है कि त्वचा अंदर से हाइड्रेट है, मगर ऐसा नहीं है। आपको जेल या वाटर बेस वाला मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, ना कि ऑयल बेस वाला मॉइस्चराइजर। ऑयली स्किन वाले पिंपल के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, इससे त्वचा को नुकसान होता है। अगर हो सके तो आप साधारण प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। चेहरे को धोने के बाद टोनर लगाना बेहद ज़रूरी है। टोनर लगाने से चेहरे के पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स निकलने के चांस भी कम हो जाते हैं, इसलिए ऑयली स्किन वाले टोनर ज़रूर लगाएं। कभी भी मुहासे को फोड़े नहीं, क्योंकि इससे एक गंदा निशान चेहरे पर हमेशा के लिए पड़ जाता है। मुहासे को छुए भी नहीं, ये खुद पे खुद ही खत्म हो जाते हैं। चेहरे को गर्म पानी से धोना। गर्म पानी पोर्स को खोल देता है, जिससे गंदगी पोर्स में समा जाती है। इसलिए हमेशा चेहरे को ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, इससे स्किन टाइट रहती है। तो ऑयली स्किन वाले इन सारी बातों का ख्याल रखें और अपने स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं। उम्मीद है आपको हमारे ये टिप्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही टिप्स के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।